ए हाय, हाउ आर यू? आई एम योर फ्रेंड आरजे, वंस अगेन विद यू विद द इनिशिएशन ऑफ वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू। चलिए शुरू करें आज की इस कहानी को। आज के इस वाले एडिटोरियल में हम लोग देखते हैं, तो अपने पास में आज का ये जो एडिटोरियल है वो बेस्ड है किसके ऊपर? क्लाइमेट चेंज के ऊपर, यानी कि क्लाइमेट चेंज को लेकर कोई बात होने वाली है जिसके बारे में ये आर्टिकल आज आपके पास में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर बोल रहे हैं अलार्मिंग। अलार्मिंग मतलब उस चीज़ को लेकर पहले से ही बेटा वो क्या करना चाह रहे हैं, कोई वार्निंग देना चाह रहे हैं, वार्निंग देना चाह रहे हैं। उसके लिए वार्निंग को हम लोग इट इज़ काइंड ऑफ अ नोटिस जिसको हम लोग पहले ही देते हैं, प्रायर कोई चीज़ के होने वाली है उससे प्रायर हम लोग इस काम को करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वार्निंग या फिर नोटिस। ठीक है, तो उसके लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है कि भैया अभी सुधर जाओ नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, इस क्लाइमेट को लेके थोड़ा सा ध्यान रखो नहीं तो दिक्कत आगे बहुत ज़्यादा हो सकती है, देखने को मिल सकती है अपने को। ठीक है, तो क्या रिपोर्ट है, ज़रा एक बार देखें इसको। ऑल नेशंस, जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी देश हैं इस दुनिया भर में, उन सब की बात हो रही है। मस्ट, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उस चीज़ को कंपल्शन में दिखाया है। मस्ट लगाने का मतलब ही ये है कि भैया ज़रूरी है, करना ही है। ठीक है, कंपल्सरी है, हम लोग ये कह सकते हैं कि बात अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है, इसलिए उन्होंने मस्त लगाया है यहाँ पर। ठीक है, उनको करना ही पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। अब आप और दिक्कत करते हो इसमें, और इसमें थोड़ा लेट करोगे तो आपको और ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाएंगी। ठीक है, स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब होता है किसी चीज़ को आप अचीव करना चाहते हो पूरे डेडिकेशन से, उसके लिए जो हार्डवर्क करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइव। बट यहाँ पर हम लोग स्ट्राइव का जो मीनिंग कन्वे करना चाहेंगे ना बेटा, वो होगा कि उस चीज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए, एम करना चाहिए, लक्ष्य बनाना चाहिए। ऑल नेशंस मस्ट स्ट्राइव फॉर नेट जीरो कार्बन एमिशंस। एमिशन मतलब उस इसका जो रिलीज होता है, जो गैसेज रिलीज होती हैं उनको, जो कार्बन रिलीज हो रहा है उसको जीरो करने के ऊपर हमारा कहीं ना कहीं फोकस होना चाहिए, उसको हमें एज अ टारगेट लेना चाहिए कि हम सब क्या करते हैं उसको एक टारगेट बना लें कि हाँ बिल्कुल नेट जीरो कार्बन वहाँ पर हमारे इस एनवायरमेंट में हो, इस एटमोसफियर में होना चाहिए। अगर अभी आप दिल्ली का सिचुएशन देखोगे तो वहाँ पर सेम यही कंडीशन है। वहाँ पर मतलब एक इंसान वहाँ पर अगर उस हवा में सांस ले रहा है तो ये कहा जा रहा है कि एक इंसान दिन में 30 सिगरेट पीता हो इतना उसको कार्बन उससे मतलब उस हवा में सांस लेने से मिल जाएगा। ये वहाँ पर अभी कंडीशन बन के आ रही है, ये एक सिचुएशन आपको देखने को मिल रहा है। तो यही चीज़ अभी दिल्ली की है, आगे जाके हो सकता है पूरी दुनिया में ही ये सिचुएशन बन जाए, सब जगह ही दिक्कत देखने को मिल जाए, पॉसिबल है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, द टाइटल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जो यूनाइटेड नेशंस ने एक टाइटल निकाला है या फिर एक रेफरेंडम निकाला है, उस कंडीशन में बोल रहे हैं लेटेस्ट रिपोर्ट, जो अभी उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट निकली है, ब्रोकन रिकॉर्ड, और उसको क्या बोला है, ब्रोकन रिकॉर्ड। ब्रोकन रिकॉर्ड मतलब कोई चीज कहाँ गया रे, एक मिनट, ब्रोकन रिकॉर्ड आपके पास में जो आया है उसका मतलब कोई चीज अगर अगेन एंड अगेन रिपीट होती है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलने वाले हैं ब्रोकन रिकॉर्ड। यानी कि एक किसने कोई रिकॉर्ड बनाया था उसको तोड़ दिया, फिर उसके बाद उसको किसी और ने बना दिया, फिर किसी और ने बना दिया, मतलब वो चलता ही रहेगा। तो ब्रोकन रिकॉर्ड रिपोर्ट आपके पास में होता है तो इसका मतलब वो चीज़ बार बार रिपीट होती रहेगी। तो नए नए वार्निंग्स बना रहे हैं कि अब मत करो, यहां तक तो सुधार लो, यहां तक सुधार लो, 2025 तक यहां पर नेट जीरो कार्बन कर देंगे, पर ऐसा कुछ हो ही नहीं पा रहा, सब फालतू की बातें हो रही हैं, सब फोकट की बातें हो रही, सब मजाक कर रहे हैं एक तरीके का। ठीक है, इज अ क्लेवर फन, ये एक तरीके का क्या है, मजाक ही और कुछ नहीं है, क्योंकि एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं किसी ने इसको मिस इंटरप्रेट कर लिया है या फिर मिस अंडरस्टैंड कर लिया है, तरीके से ये कह सकते हैं उन्होंने इसको मजाक के रूप में लिया है बस, और कुछ भी नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वो मजाक कर रहे हैं, तो मिस अंडरस्टैंड कर लिया है चीज़ों को गलत तरीके से। जो आपके पास में पन होता है ये फिगर्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश में अलंकार जो चलते हैं उनमें से एक अलंकार होता है। पन में आपके पास में किसी वर्ड के डिफरेंट मीनिंग होते हैं और जहाँ पर जो मीनिंग नहीं लेना है उसकी जगह वो मीनिंग ले लिया जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, नॉट ओनली डज इट सजेस्ट दैट प्रीवियस वार्निंग्स, इसके लिए उन्होंने पहले भी वार्निंग्स दी थी लेकिन उनका कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ राइजिंग ग्रीन हाउस गैसेज, गैस इमिशंस, GHG, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेज जो बढ़ रही हैं उनको लेके उनका जो कंसर्न था, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज आगे जाके देखने को मिल सकते थे, उसको लेके उन्होंने पहले भी वार्निंग्स दी थी लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, बस सब लगे हुए हैं। अभी भी आप देखोगे तो बहुत सारे लोग केरोसिन से ही गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे डीजल की जो गाड़ियाँ अभी भी चल रही है, एक टारगेट बना था कि 2025-26 के बाद में डीजल की गाड़ियाँ बंद कर दी जाएगी यहाँ पर नॉर्मली सेल होना, लेकिन अगर आप देखोगे तो अभी भी जो गाड़ियाँ आ रही है वो डीजल वाली गाड़ियाँ आ रही है। तो
बंद करोगे कब उसको? वैसे आप उसको एक हल्के में ले रहे हो, लेकिन ये सच में एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अलार्मिंग सिचुएशन मतलब आपको एटलीस्ट यहाँ तक तो सुधर जाना चाहिए, यहाँ तक चेंजेस कर लेने चाहिए थे, ठीक है। आर बीइंग इग्नोर्ड, तो उनको क्या किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है टोटली, बट ऑल्सो दैट न्यू सीलिंग्स आर बीइंग ब्रीच्ड। और कोई हमने कोई नए रूल, अब सीलिंग मतलब होता है जो छत के नीचे की जो जगह होती है, लेकिन यहाँ पर सीलिंग का जो हम लोग मीनिंग कन्वे करेंगे बेटा वो होगा रूल। जो नए रूल बनाए गए हैं उनको भी क्या किया जा रहा है, ब्रीच किया जा रहा है, उनको भी तोड़ा जा रहा है, ब्रेक किया जा रहा है, ठीक है। द एनुअल एमिशन रिपोर्ट्स, जो एनुअल एमिशंस की इस एटमोसफियर में कितने गैसेस निकल के आ रही है साल भर में, वो उसकी जो रिपोर्ट है यूजली टाइम्ड क्लोज टू बी टू द बिगिनिंग ऑफ द क्लाइमेट टॉक्स। क्लाइमेट टॉक्स जब होते हैं उससे पहले ही, उसकी शुरुआत में ही ये की जाती है, उसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसका एक टाइम सेट नहीं कर रखा है कि भाई इस टाइम पे आपको निकालना है, इस टाइम पे चेक करना है, बीच बीच में आपको चेक करना है। जब जब भी क्लाइमेट टॉक्स की बात होती है, ऐसे कोई सबमिट होते हैं, उससे पहले ही उसके बारे में सर्वे करवाते हैं, उसके अलावा उनको कोई मतलब नहीं होता है। एक तरीके का फॉर्मेलिटी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, सिर्फ फॉर्मली बातें चल रही हैं। रिट्रीट्स, रिट्रीट्स मतलब उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, ओवर अगेन एंड अगेन, ठीक है। इन शार्पर शार्प, ठीक है, शार्पमेंट अमेंडमेंट ऑफ 2015 हैज बीन टार्डी। देयर इज अ वर्ड टार्डी, अब टार्डी का मीनिंग आपको समझना चाहिए बेटा। टार्डी मतलब कोई चीज ऐसी होती है जो धीमी होती है, वी कैन से स्लो होती है, ठीक है, सुस्त होती है, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। स्लो टू एक्ट, जो बहुत धीरे धीरे कोई काम करता हो। मूव और हैपन, हैपनिंग और अराइविंग आफ्टर द प्लान, मतलब जो चीज प्लान कर रखा हो उससे धीरे चल रहा हो। एक्सपेक्टेड और यूजुअल टाइम, जो जो हमने टाइम एक्सपेक्ट किया था उससे धीरे चल रही हो कोई चीज़, तो उसको हम लोग कह सकते हैं। काइंड ऑफ लेट भी ही हो जाएगा, बिहाइंड शेड्यूल, ओवरड्यू, बिलेटेड हम लोग इसको कहेंगे, बिहाइंड टाइम, डिले हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, अनपंक्चुअल, लैगार्ड होगा, डायलेटरी आपके पास होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास टार्डी के सेंस में जाएंगे। टार्डी मतलब कोई सुस्त होता है, धीमा होता है, स्लो होता है, ग्रेजुअल होता है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं। ऑपोजिट, जो चीज़ आपके पास में क्या होती है, फास्टली हो जाएगी, टाइमली हो जाएगी, अर्ली हो जाएगी, प्रॉम्प्ट हो जाएगा, ऑन टाइम, स्पीडली, या एक्सपेडिटियस आपके पास में हो गया, आपके पास स्विफ्ट हो गया, जो चीज़ इजीली फटाफट से हो जाएगी उसको हम लोग बोलते हैं इधर। तो ये सारे के सारे आपके पास ऑपोजिट होंगे, टार्डी मतलब सुस्त, ये सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे उसके, ठीक है। कहाँ गए रे, कहाँ गया उसे ढूंढो, ठीक है। तो जो अमेंडमेंट है 2015 वाले, ये सब कुछ हर चीज क्या है, सुस्त कर दी, बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है। दे स्टेटेड गोल वॉज टू कीप टेम्परेचर्स फ्रॉम राइजिंग ओवर 2 डिग्री सेंटीग्रेड। उन्होंने और उसमें ये बताया गया था, उसमें ये चीज बताई गई थी, ठीक है, उसमें ये चीज स्टेट की गई थी कि भैया जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, एंड एज फार एज पॉसिबल बिलो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके नीचे नहीं होना चाहिए था। प्री इंडस ट्राइबल लेवल्स, ये उसके लिए पहले से एक लेवल सेट किए गए थे, ठीक है, जो ज्योग्राफी जानते होंगे भैया उनको थोड़ा सा इसका आइडिया होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल में मुझे भी इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, लास्ट फ्यू ईयर्स जो पिछले कुछ साल रहे हैं उनमें चीज़ आपको देखने को मिली। मच ऑफ द कंसेंसस हैज बीन दैट वी शुड बी डायरेक्टिंग ऑल आर एफर्ट्स टुवर्ड कीपिंग इट बिलो। और हम सब क्या कर रहे हैं कि हम सब बस इस टारगेट में लगे हैं कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे उसको लेके आ जाए, ठीक है। और ये कंसेंसस, दैट इज द वर्ड कंसेंसस, कंसेंसस मतलब जब जहां पर ऑल एग्री होते हैं, सब किसी बात को लेके एग्री हो जाते हैं, किसी बात को सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसेंसस, ठीक है। तो हम सबका एक सर्वसम्मति से ये रहा है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के उसके नीचे हम लोग रखने वाले हैं, ठीक है। द ब्रोकन रिकॉर्ड रिपोर्ट, जो बार बार रिपीट होती रहती है, वो रिपोर्ट जब आती है, हाउएवर उसमें ये चीज आपको देखने को मिली थी, हाउएवर सजेस्ट दैट अकाउंटिंग फॉर ऑल कमिटमेंट्स मेड बाई कंट्रीज, ठीक है। और क्या कह रहे हैं वो कि जितने भी कंट्रीज ने इन कमिटमेंट्स को किया है, ये वादे किए थे, जो प्रोमिस किए थे, वादे तो होते ही टूटने के लिए, तो वो तोड़ दिए गए, उनका कोई मतलब नहीं रहा है, ठीक है, बार बार इनको रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। एज पर द पीए, टू मिनिमाइज देयर इकोनॉमीज रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल हम लोग कह सकते हैं। अब देखो फॉसिल जो होते हैं वो आपके पास में होते हैं जीवाश्म, ठीक है, और फॉसिल की अगर हम लोग एक और बात करने की कोशिश करते हैं तो बायोफ्यूल, ये बायोफ्यूल के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी रखना चाहते थे लेकिन नहीं रख पाए, ठीक है। टेम्परेचर्स वुड स्टिल
रिजल्ट इन एन ओवरशूट ऑफ 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2.9 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके बाद भी ये चीज बढ़ गई है बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, इस सेंचुरी के एंड होते होते भी ये चीज बढ़ती जा रही है और इसमें राइज होता हुआ दिख ही रहा है, कहीं ना कहीं राइज हो ही जा रहा है। अगर इस चीज को हम लोग देखें तो आपके पास में एक राइज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी टू कीप टेम्परेचर बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड एमिशंस बाय 2030 मस्ट बी कट 28%। और क्या कह रहे हैं कि 2030 तक अगर आपको मतलब इसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड के इसके नीचे रखना है आपको, तो आपको 28% कार्बन को कम करना पड़ेगा, तब जाके 2030 तक ये टारगेट पूरा हो पाएगा। एंड फॉर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड दे नीड टू बी शेव्ड बाई 42%। अगर इसको एक्चुअल में आपको 1.5 लाना है तो उसके लिए कम से कम आपको इसमें 42% कटौती करनी पड़ेगी, तब जाके आप इस टारगेट को अचीव कर पाओगे 2030 तो, यानी 2030 तक ये टारगेट तब जाके पॉसिबल हो पाएगा। डिस्पाइट मेनी कंट्रीज स्टिल, फिर भी जो बहुत सारी कंट्रीज हैं हैविंग प्रॉमिस्ड टू बी नेट जीरो, बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उन्होंने कहा कि हम तो नेट जीरो पे रहेंगे, हम तो एग्जैक्ट बिल्कुल जीरो कर देंगे उसको। नेट जीरो की कंडीशन के लिए तो आजकल वो आप दिखा होगा जो बैटरी वाली जो गाड़ी आई है जिसको चार्ज करके कार चलाते हैं, तो वो इसीलिए आ रही है, मीनिंग नो नेट कार्बन एमिशंस, ठीक है। वो उनका कहना है कि कोई कार्बन नहीं होगा, बिल्कुल कोई कार्बन का एमिशन उनको देखने को नहीं मिलेगा। द रिपोर्ट डज नॉट थिंक दिस प्रोमिसेस आर क्रेडिबल। क्रेडिबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड क्रेडिबल? कहीं पर किसी चीज के लिए विश्वास की बात होती है। क्रेड आपके पास में जब एक वर्ड आता है तो उसके कोई चीज आपके पास ऐसी होती है जिसपे आप लोग बिलीव कर सकते हो, विश्वसनीय, दैट यू कैन बिलीव, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिबल। वी कैन से रिलायबल, ट्रस्टवर्थी। अ सिंपल वर्ड फॉर दिस इज ट्रस्टवर्थी, जिस पे आप इजीली रिलाई कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो। प्लॉजिबल होता है बिलीवेबल, सिंपल वर्ड है, सिंपल लैंग्वेज में आप देखोगे तो, ठीक है। कन्विंसिंग हो गया, ऑथेंटिक हो गया, डिपेंडेबल, हॉनेस्ट, क्रेडिटेबल आपके पास में हो गया है। ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में सिमिलर वर्ड है। ऑपोजिट, जिसके ऊपर भरोसा कर नहीं सकते। अनरिलायबल आपके पास में हो गया, डबियस, दैट इज अ वर्ड। अनट्रस्टवर्थी, इनक्रेडिबल, ठीक है। इनक्रेडिबल का एक पॉजिटिव मीनिंग भी निकलता है और एक नेगेटिव मीनिंग भी निकलेगा, दो मीनिंग है इसके। इम्प्लॉजिबल आपके पास में हो गया, जिसके ऊपर आप क्वेश्चन करोगे, इसके ऊपर आप बिलीव नहीं करोगे, उसको हम लोग बोलेंगे डिसेप्टिव, जो आपको धोखा देने का काम करते हैं तो उसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो द रिपोर्ट डज नॉट थिंक दिस प्रोमिसेस आर क्रेडिबल, जो रिपोर्ट है वो ये नहीं कहती, मतलब जो रिपोर्ट है उसे तो ये लगता है कि जो सारे वादे हैं वो क्रेडिबल नहीं है, वो सारे के सारे झूठे हैं और कुछ भी नहीं है। एंड इवन इन द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सीनरीज द लाइकलीहुड ऑफ कीपिंग एमिशंस बिलो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड आर 40%। और जितने लोग इसको चाह रहे हैं वो सिर्फ 40% ही, अगर सच में देखा जाए तो सारे के सारे तो इसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा है, ठीक है। हाउएवर इट इज नॉट एज इफ द पीए हैज बीन इन्फेक्चुअस जीएचजी एमिशंस इन 2030 बेस्ड ऑन पॉलिसीज इन प्लेस वेर प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय 16%, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि जो जीएचजी एमिशंस है वो हो सकता है, ये कह रहे हैं कि 2030 तक ये, और अभी जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है ये लग रहा है कि 16% और बढ़ जाएगा, ये कम नहीं होएगा। जो लोग बाग सोच रहे हैं कम हो जाएगा, कम नहीं होएगा, शायद बढ़ सकता है। टाइम ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द पीए टुडे द प्रोजेक्टेड इंक्रीज इज 3%। अभी जो चीज़ लोगों के सामने प्रोजेक्ट हो रही है वो 3% बढ़ती हुई नजर आ रही है। टू कीप टेम्परेचर बिलो 1.5 डिग्री एनुअल एमिशंस मस्ट रिड्यूस एवरी ईयर अंटिल 2030, यानी कि 2030 तक आपको हर साल 8.7% का उसमें कम करना पड़ेगा, कटौती करनी पड़ेगी, तब जाके पूरी हो पाएंगी, ठीक है। व्हाट द रिपोर्ट सेज इज दैट द वर्ल्ड कलेक्टिवली एमिटेड मतलब जो चीज रिलीज होती है 57.4 बिलियन टन्स इन 2022 में, अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये इतना ज्यादा एक क्वांटिटी निकल के आया था उस चीज को लेकर, एन इंक्रीज ऑफ 1.2% ओवर 2021, यानी कि 2021 की अगर हम लोग बात करें 2021 से 22 तक जब ये हुआ था तो 1.2% का इसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिला था। द पैंडेमिक सो 4.7% ड्रॉप, जब पैंडेमिक आया था, कोरोना आया था, जब कोरोना आया था तो उस टाइम पे गाड़ियां वाड़ियां तो चली नहीं थी, तो उस टाइम पे एक मेजर ड्रॉप देखने को मिला था 4.7% का, ठीक है। तो उस टाइम बिल्कुल हाँ जीरो हुआ था, नहीं जीरो तो नहीं हुआ था, पर एक ड्रॉप देखने को मिला था, एक हम लोग कह सकते हैं डिक्रीज देखने को मिला था, ड्रॉप इन एमिशंस, बट द प्रोजेक्शंस
फॉर 2023 सजेस्ट दैट द ग्लोब इज नियरली बैक टू प्री पैंडेमिक एमिशंस लेवल्स. और क्या कह रहे हैं कि जो प्री पैंडेमिक लेवल जो कोरोना के पहले का टाइम था वहां तक हम लोग वापस पहुंच जाएंगे. कोई बुरी बात नहीं है इसमें, ठीक है, जो चल रहा था चल ही रहा है. ठीक है, जब कोरोना से पहले हम लोग जितना कार्बन रिलीज कर रहे थे उतना ही वापस से करने लग जाएंगे. जैसे ही कोरोना आया था तो उस टाइम पे कम हुआ था, लेकिन अब वापस से भी बराबर हो जाएगा. कोई ये ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें, बराबर होएगा. ठीक है, ग्लोब इज नियरली बैक टू प्री पैंडेमिक एमिशंस लेवल. जो दुनिया है वो वापस वहीं पहुंच जाएगी. द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ग्लोब्स टार्डिनेस मतलब सुस्ती जो उनकी आ रही है, जो मंदी आ रही है, दिमाग जो ठंडा करके बैठे हुए हैं, अभी तक सोच नहीं पा रहे उस चीज को लेकर कि कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है इस चीज का, कितनी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, आर रिट लार्ज. ठीक है, वो हम लोग कह सकते हैं कि एक तरीके का ये कहीं ना कहीं आपके पास आराम है, रिट है, आप अभी भी सुधर जाओ, एक तरीके का आदेश है आपके लिए. ठीक है, रिट आपके पास में कोई ऑफिशियल ऑर्डर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिट. As of October this year, 86 days were recorded with temperatures over 1.5 degrees centigrade. आगे हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, 86 days ऐसे थे जहां पर 1.5 degree के ऊपर का temperature था. अब वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, यानी कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो बने हुए हैं उनकी भी ऊपर गया हुआ है. ठीक है, September was the hottest recorded month ever. और जो September था, जबकि September तक थोड़ा माहौल ठंडा होना चाहिए, लेकिन वो hottest month था. ठीक है, विद ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशंस, द रिपोर्ट रिपीट्स सैग एडवाइस दैट हैज बीन ऑफर्ड फॉर इयर्स द रिचेस्ट कंट्रीज एंड दीज हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर गॉबलिंग. देयर इज अ वर्ड गॉबलिंग, गॉबलिंग एंड स्पर्स दो वर्ड है आपके पास में. गॉबलिंग मतलब किस चीज को आप लोग क्या करते हो, निगल जाते हो, पूरा घटक जाते हो, जैसे ये बुक्कड़ की तरह खा रहा है ना, इसको टूस टूस की, उसको बोलते हैं हम लोग गॉबलिंग करना. गॉबलिंग टू ईट क्विकली एंड नॉइजली, मतलब आप सुप 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 ऐसे कर करके खा जाते हो ना. अब कभी कोई चाय पीता है, ठीक है, तो ऐसे आवाज आती है. ये जो चीज क्या है आपके पास में, नॉइज के साथ कोई काम कर रहे हो आप खाने पीने का. डेवरिंग, वॉल्फिंग, गल्फिंग, स्वेलो, निगल रहे हो पूरा का पूरा, उसको ठूस रहे हो, इनहेल कर रहे हो, चॉइंग डाउन कर रहे हो, उसको मंचिंग कर रहे हो, फिस्टिंग कर रहे हो, पेट भर रहे हो ना, फिस्ट दाउत के मजे उठा रहे हो, फिस्ट मतलब दावत, नोशिंग कर रहे हो, सारे के सारे वर्ड आपके पास ऐसे ठूसने के सेंस में जाएंगे. ठीक है, ऑपोजिट आप क्या करोगे, निकालोगे उसको. सर्विंग होगा, रिलीशिंग होगा, सिपिंग होगा, शेवरिंग होगा, टेस्टिंग होगा, या फिर एक मीनिंग इसका ऐसा भी निकाल सकते हो जैसा इसने दिया हुआ है. उस वे में अगर आप लोग लेने की कोशिश करते हो तो कोई चीज को आप सिंपल तरीके से क्वाइटली, अगर आप कोई काम कर रहे हो क्वाइट वे में, अगर आप उसको खा रहे हो तो वो भी एक आपके पास ऑप्शन हो सकता है. मतलब एक ऑप्शन ये भी हो सकता है. ठीक है, अगर देखो दो तरीके से इसका में आप निकाल सकते हो, कोई चीज को अंदर डाल रहे हो तो बाहर निकाल रहे हो, तो ये आपके पास एक तो वर्ड हो गया और उसका एक ऑपोजिट हो गया. लेकिन कोई चीज को आप जोर जोर से कर रहे हो और एक काम को धीरे धीरे कर रहे हो तो ये दोनों भी ऑपोजिट में काम करेंगे. ठीक है, देयर इज अ वर्ड स्पार्स, एक और वर्ड है अपने पास में स्पार्स. स्पार्स विरल, स्मॉल इन क्वांटिटी और अमाउंट. कोई चीज ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा कम होती है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखें दो गाड़ी एक साथ नहीं निकल सकता, दिक्कत आएगा इसमें. इधर भी ये एनक्रोचमेंट है, इधर भी एनक्रोचमेंट है और बीच में रास्ता है, तो एक साथ दो गाड़ी निकलना पॉसिबल नहीं है. स्केंट हम लोग बोलेंगे थिन, मीगर, स्कार्स जहाँ पर जिस चीज का कमी है, लेक है हम लोग कह सकते हैं. डिविंडिंग है, रेयर है, पॉल्ट्री है, इनफ्रीक्वेंट है, कोई चीज हैंडलफुल है. देखिए एक वर्ड के मीनिंग बहुत सारे कन्वे हो सकते हैं, आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग कन्वे करना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा. ऑपोजिट देखेंगे तो कोई चीज आपके पास में एम्पल अमाउंट में है, पर्याप्त मात्रा में है, कोई चीज आपके पास पर्याप्त मात्रा में है तो उसको हम लोग बोलते हैं अबंडेंट, प्लेंटीफुल, एम्पल, प्रोफ्यूज, डेंस, क्राउडेड, ओवरफ्लोइंग, या फिर लग्जूरियस, यानी कि सफिशियंट क्वांटिटी में कोई चीज होगी तो उसको हम लोग ऑपोजिट में रखेंगे स्पार्स की. ठीक है, एटमॉस्फेरिक कैपेसिटी फॉर कार्बन मस्ट कमिट टू ग्रेटर एंड फास्टर रिडक्शंस. अगर आप सच में चाह रहे हो कि इस कार्बन के ऊपर जो कार्बन अभी अपने इस एटमॉस्फेयर में राइज हो रहा है उसको अगर आप कम करना चाह रहे हो तो इसमें फटाफट से कुछ कमी लेके आओ, कुछ अच्छे तरीके से, थोड़ा जल्दी करो ये काम और अच्छे लेवल पे करो. ठीक है, वाइल लीगलाइज एंड हिट पिकिंग हैव बीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइमेट समिट्स प्रीवियस, लिटिल टाइम रिमेन्स फॉर द वर्ल्ड टू गेट
इट्स एक्ट टुगेदर. अगर हम लोग चाह रहे हैं कि दुनिया पहले जितनी अच्छी थी उसी वे में अच्छी हो जाए, तो हमें इसके लिए मिलके काम करना पड़ेगा. एक अकेला थक जाएगा, मिलके काम करना है अपने को, ठीक है. साथी हाथ बढ़ाना, ऐसे करके हम लोग आगे निकल जाएंगे, ठीक है. क्योंकि सबको हेल्प करना पड़ेगा, ये अब किसी एक का काम नहीं है, क्योंकि ये सारी दुनिया हमारा घर है. वसुदेव कुटुंबकम में हम लोग बिलीव करते हैं, तो हम सबको एक साथ काम करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए. अलग अलग नहीं है हम लोग. हम सोचते हैं अगर आज के इस जमाने की हम लोग बात करने की कोशिश करें, तो ये सारी दुनिया है एक स्मॉल विलेज है, इट इज काइंड ऑफ अ विलेज, ठीक है. हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, तो हमको सबको साथ में मिलके काम करना पड़ेगा. वो अलग गांव है. अगर हम लोग अमेरिका की बात करें, तो वो अलग गांव हो गया, पाकिस्तान अलग गांव हो गया, अफगानिस्तान अलग गांव हो गया आपके पास में, ये सब अलग अलग गांव है अब, ठीक है. बट हम साथ में तो रहते हैं, ये पृथ्वी पूरा हमारा घर है, तो इसको हमें बचाना है, ठीक है. अब देखें कौन कौन से वर्ड हम लोग और देख सकते हैं. स्पार्स हम लोगों ने देख लिया, ठीक है. इसका मतलब होता है कुछ थिन होती है, कमी होती है, उस किस चीज़ का लेक होता है उसको हम लोग इधर रखते हैं. कुछ दुर्लभ होती है, गॉबलिंग निगलना ठूसना. और देयर इज अ वर्ड रिट, कुछ आपके पास में औपचारिक आदेश होता है, कोई ऑफिशियल ऑर्डर होता है, अ लीगल ऑर्डर, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिट. डिक्री एडिक्ट, आपके पास कोई मैंडेट होता है, मैंडेट आपके पास ऑफिशियल होता है. डायरेक्टिव्स, आपके उस चीज़ के लिए दिशा निर्देश मिलते हैं, कमांड मिलता है, ऑर्डर मिलता है. प्रोक्लेम होता है कुछ इसका पब्लिक ऑर्डर होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोक्लेम, ठीक है. नोटिस, समन, ये सारे के सारे वर्ड आपके पास सिमिलर वर्ड हैं. ऑपोजिट, ऑर्डर की बजाय आपने उसमें किया गया है, रिक्वेस्ट किया है, अपील किया है, ठीक है, प्ली किया है, वहाँ पर किसी के सामने गिड़गिड़ा रहे हो, वे बाबूजी ऐसा ऐसा, ठीक है. तो सप्लिकेशन हो गया, एंट्रीटी वहाँ पर हुआ है, पिटिशन हुआ है, तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास इधर जाएंगे. क्रेडिबल, विश्वसनीय, हमने देखा है इस वर्ड को. फॉसिल, फॉसिल मतलब होता है जीवाश्म, ठीक है, जो अवशेष होते हैं, ठीक है, जो चीज़ हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, वो सारे के सारे ये जीवाश्म इस टाइप के हो जाएंगे. कोई चीज़ ऐसी होती है जो लिविंग होती है, ये आपके पास में नॉन लिविंग हो जाएगा, तो ये लिविंग हो जाएगा. रिसेंट, फ्रेश, या फिर करंट हम लोग इसको बोलेंगे. कुछ लोग इसको ओल्ड भी चाहें तो बोल सकते हैं. अगर ओल्ड बोलोगे तो ओल्ड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा, ठीक है. देयर इज अ वर्ड टार्डी, मतलब मंदा, सुस्ता. ब्रीच, किस चीज को आप क्या कर रहे हो? उल्लंघन करते हो उस चीज में, कहीं ना कहीं उसको वायलेट करते हो, ब्रोक करते हो, उसको नियम बनाया है उसको तोड़ रहे हो, वायलेट करते हो, इन्फ्रिंग कर रहे हो उसको, ठीक है. ट्रांसग्रेस कर रहे हो, ट्रेसपास कर रहे हो, ऑफेंड कर रहे हो जिसको, या फिर कॉन्ट्रावेंट वेंडेड कर रहे हो आप, वहाँ पर कर रहे हो, एनक्रोच कर रहे हो उसको, जबरदस्ती उस चीज़ का उल्लंघन कर रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि आपने ब्रीच किया है, उल्लंघन किया है. टू ब्रेक एन एग्रीमेंट और लो, ठीक है, या आपने किसी की डेटा चुराया है, तो ये एक लो का उल्लंघन ही तो हुआ. अपोजिट, आप वहाँ पर अपहेल्ड कर रहे हो, ओबे कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है, कंपाइल कर रहे हो, कंप्लाइट कर हो रहे हो चीज़ों को लेकर, अडेयर हो रहे हो, रेस्पेक्ट कर रहे हो चीज़ों को, फॉलो कर रहे हो, होनर कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, बना के रख रहे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे. सीलिंग, छत होती है, लेकिन इसके बहुत सारे मीनिंग भी हो सकते हैं, जैसे कि एपेक्स मतलब हाईएस्ट पॉइंट जो होता है उसको भी हम लोग बोल सकते हैं. टॉप हो सकता है, डोम्स हो सकता है आपके पास, क्राउन हो सकता है. ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें इसके, तो जो आपके पास बॉटम होगा वो ऑपोजिट हो जाएगा इसका, ठीक है, जो बेस होगा वो भी ऑपोजिट होगा. पन, आपके पास में कोशिश कैसी होती है, मजाक में आप कोई काम करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं पन, ऑपोजिट उसका होगा. कहीं पर आप उस चीज को लेके सीरियस हो रहे हो तो वो आपके पास पन हो जाए, ठीक है. आई होप, हाँ ठीक है, यहीं तक आज वर्ड आपके पास ज्यादा नहीं थे, सिंपल ही थे. तो आज के इस क्लाइमेट चेंज को लेके हमने एक एड्रोल में चीज़ें थोड़ी बहुत सीखी हैं. आपको भी इस चीज़ में कहीं ना कहीं योगदान करना चाहिए कि हाँ, हमें भी कार्बन को कम करना है, ये किसी एक की बात नहीं, सभी के लिए है, ठीक है. तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव थम्स अप फॉर दिस वीडियो, एंड अच्छे से कमेंट करना प्यारे प्यारे से. बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ.